तीनों जो है गुरुग्राम का जॉब है, प्लस प्लस एक जो है बेंगलोर का जॉब है। तो गाइज हम अभी फिलहाल जो है एसेंचर कंपनी है उसके लिए हम देख रहे हैं, मैनेजमेंट जो है एसोसिएट क्वेरी मैनेजमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उस पर हम चलते हैं, इनके जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और फिर हम वहाँ देखते हैं। तो गाइज ये रिक्वायरमेंट जो है आपको एसेंचर की तरफ से जो डिस्प्ले किया गया है, तो 1 से 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। और गाइज मैं इनका लिंक डाल दूंगा इसमें, जो डायरेक्ट आपको अप्लाई ऑप्शन जो है शो कर देगा। तो गाइज कुछ इस तरह से जो है इसका हाँ गाइज, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो आप डायरेक्ट जॉब आईडी नंबर जो है 82418 गुरुग्राम अप्लाई आपको डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर फॉर जॉब अलर्ट्स। तो गाइज मैं एसेंचर का जो है ये लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, गाइज आपको पता होगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है क्वेरी मैनेजमेंट कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्किल जो होना चाहिए, मैनेजमेंट लेवल एसोसिएट होना चाहिए, गुरुग्राम का रिक्वायरिंग ग्रेजुएट बंदा चलेगा, 1 से 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अबाउट एसेंचर्स ऑपरेशंस के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए कभी भी। ठीक है, और एसेंचर कौन सी कंपनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, यू नो दैट। तो गाइज ज़्यादा इसमें बताने का कुछ है नहीं, क्वालिफिकेशंस वगैरह तो यानी ग्रेजुएशन है। तो गाइज इसी के साथ हम ये हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है और हम नेक्स्ट जो जॉब है उस पर हम चलते हैं, उसके लिए हम अपने ब्राउज़र के होम पेज में जाएंगे। ठीक है गाइज, और ये गूगल के तरफ से डिस्प्ले किया गया है जॉब का, तो ये जो गूगल वाला है ये कैड इंजीनियर चाहिए, फ्रेश कैड इंजीनियर्स चाहिए जो कि गूगल में रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट के लिए डायरेक्ट आपको इनका भी बेंगलुरु कर्नाटका के लिए रिक्वायरमेंट है गाइज, और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट पोटेंशियल एक्सपीरियंस ऑन आरटीएल टूल्स एंड फ्लोस। ठीक है, लोकेशंस क्वालिफिकेशंस तो हो गया गाइस। अबाउट जॉब के बारे में आप देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लोकेशंस है। तो गाइस आपको मैं इसका भी डायरेक्ट जो है आपको डाल दूंगा लिंक, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो इसको भी। ठीक है गाइस, और गाइस अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट जॉब है उसके तरफ। तो ये आया हुआ है जेनपैक के तरफ से, और हम अभी फ्रेश कॉमर्स ग्रेजुएट का रिक्वायरमेंट है प्रोसेस एसोसिएट के लिए जेनपैक गुड़गांव में। ठीक है गाइस, तो हम अब इसके हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करेंगे जो बंदा बीकॉम है उसके लिए ये बेहतरीन जॉब है। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो गाइस हम इसके होम पेज पे जा रहे हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेनपैक का उस पर, और इसमें हम ये जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये जॉब प्लेसमेंट प्राइवेसी नोटिस जो है इसी में ये डिस्प्ले किया गया है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे वो रिक्वायरमेंट किधर है। ठीक है गाइस, चलिए, तो ये कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस खुल रहा है, इसको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा जॉब सर्च के लिए, ज्वाइन द टैलेंट कम्युनिटी। ठीक है गाइस, तो आप इसका भी मैं लिंक दे दूंगा एक बार, और आप इसको कॉन्टेक्ट करके इसमें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और माई जॉब कार्ड जो है मतलब ये पहले साइन अप करना पड़ेगा इनका जेनपैक में। जेनपैक आप एक इंटरनेशनल कंपनी, आपको पता ही होगा मल्टीनेशनल कंपनी है। तो गाइस इसी के साथ हम चलते हैं अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, ये भी रिक्वायरमेंट काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है गाइस, तो इसके लिए हम चलते हैं जो अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके तरफ। तो ये जो रिक्वायरमेंट है गाइस आपको गुड़गांव के लिए है, अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव मतलब गुरुग्राम बेंगलुरु दोनों जगह के लिए ये रिक्वायरमेंट है, जो कि एक रिक्वायरमेंट ट्रेनी इंजीनियर की ज़रूरत है अमेरिकन एक्सप्रेस में। ठीक है गाइस, तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्ट लिंक पे, अप्लाई करके हम देखते हैं यहाँ से क्या खुलता है। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस का आपको पता ही होगा कि वेबसाइट है जॉब्स का एक्सप्रेस का, तो हम इस पर आ चुके हैं और देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो है खुल रहा है जॉब का कैटेगरी मैनेजर प्रोफाइल एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए एम्प्लॉय के लिए चेक कर सकते हैं, टोटल पढ़ सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा, डिक्लाइन कीजिएगा, जो भी देख लीजिएगा आप। मैं तो इसको
डिक्लाइन करूँगा इसलिए क्योंकि मुझे इतना प्राइवेसी एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं लेना है। ठीक है, तो हम कर दिए। और गाइस देखो, इसका जो है कॉन्टेक्टर्स मैंने जो प्रोफाइल, इसमें अपना कैरियर इन्फो, इसमें आपको लॉग इन करके अपना टोटल डोको डिटेल्स वगैरह भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सब कुछ एड्रेस मिल जाएगा। गाइस इसके साथ हम चलते हैं अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि डीलोइट कंपनी है, उसके लिए रिक्वायर हैदराबाद के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसके भी हम जाएंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे। ठीक है, तो गाइज़ ये इसका वेबसाइट अभी खुल रहा है। ठीक है गाइज़, तो जब तक ये खुले, हाँ ये खुल भी गया गाइज, तो कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। ठीक है गाइज़, लॉगिन करना पड़ेगा इनको भी, वेलकम टू योर रजिस्टर, इसको भी लॉगिन करके जो है इनको, मतलब इनका जो है जो जॉब का पोर्टल है उस पर जाना पड़ेगा। ठीक है गाइज़, तो आप एक बार इसको देख लेना, ठीक है, और चेक कर लेना, और हो सके तो आप अच्छे से चेक करना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, डीलॉयटी कंपनी गाइस, इसके लिए जो यूके बेस्ड कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कंपनी की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है बेंगलुरु के लिए, जो कि एप्लीकेशन इंजीनियर्स चाहिए एट एसोसिएट, 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटी कंप्यूटर फील्ड में होना चाहिए। चलिए तो गाइज़ हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, और इसी साथ इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। कुछ इस तरह का इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल रहा है गाइज। ठीक है, पियर्सन्स कंपनी है, उसी में ये रिक्वायरमेंट है। और टेस्ट सेंटर यूनाइटेड किंगडम, ये भी बाहर का है, टेस्ट सेंटर।